अगर आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट किए होंगे तो आपका मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि भाई साहब स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कितना कैपिटल का जरूरत होना चाहिए, कितना पैसा चाहिए स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि यार स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, 2 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, तभी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, उसको पता है कि स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क कम होता है, पहले से पता है कि स्विंग ट्रेडिंग सबसे अच्छा ट्रेडिंग होता है, रिस्क भी कम होता है, लेकिन वो कैपिटल ज़्यादा होने के कारण बोलते हैं सब लोग यूट्यूब पर फैला दिया कि ज़्यादा कैपिटल होना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तभी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग को छोड़ के ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रवेश करते हैं। उसको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम 5,000 से कर सकते हैं, 10,000 से कर सकते हैं, 10,000 से ट्रेडिंग करेंगे तो इजीली हम 2,000 निकाल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है कि 2,000 कमा सकता हूँ 10,000 इन्वेस्टमेंट करके, ये नहीं सोचता कि 10,000 सेकेंडों में ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या लॉस भी हो जाता। आपके मन में कई बार सवाल होता है कि यार स्विंग ट्रेडिंग कौन करेगा भाई साहब, स्विंग ट्रेडिंग में क्या ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं 10,000-15,000 सब स्टार्ट करते होंगे, लेकिन डालते होंगे क्या होता है, जीरो होता है। फिर पैसा आप डालते होंगे 10,000, एक बार दो बार प्रॉफिट होता होगा, जिस दिन जाता है सब जीरो हो जाता है। फिर 10,000 कहीं से लाते होंगे, फिर ट्रेड करते होंगे, एक दो दिन प्रॉफिट हुआ, किसी एक दिन गया सब जीरो होता है, मतलब बात तो बराबर ही हो जाता है। उस ऐसे करते करते आप हज़ारों का लाखों का आप लॉस कर लेते हैं। अकाश उतना पैसा से अगर आप स्विंग ट्रेडिंग किए होते तो आज आप सफल ट्रेडर होते। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितना कैपिटल जरूरत होना चाहिए। सबसे पहले ये आपको मैं बता देता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग में आपको मंथली परसेंटेज अप्रॉक्स कितना होना चाहिए, तो हाईएस्ट 15-20% का आपको टाइट होना चाहिए कि भाई हमको मंथली में कम से कम 15-20% का टाइट मिल गया तो मैं खुश हूँ, इतना होना भी चाहिए आपको। इससे ज़्यादा आप टाइट नहीं रखें, मिल गया तो एक बोनस हो गया, लेकिन आपको टाइट मंथली बेस में 15-20% का ही टाइट रखो। उस हिसाब से आप कंबाइंड कर लो कि हमको मंथली टाइट कम से कम 15-20% का ही होना चाहिए। अगर आप 10,000 कैपिटल से ट्रेड करेंगे तो आपका मंथली का रिटर्न कितना होगा, 10-15-20% का रिटर्न होगा, तो वही अप्रॉक्स होगा 1500-2000 का। तो यार 10,000 का जो टारगेट है, आप 1500 या 2,000 का प्रॉफिट हो मंथली इनमें तो ग्रीन तो है ना यार, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में वही इसको ग्रीन करने के लिए कई सालों लग जाता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, वो भी मंथली बेस के मैं बात करूँ, डेली तो किसी दिन कमा भी लेता है, लेकिन मंथली बेस में किसी भी जो बिगिनर है जो 2 साल से लॉस में है, किसी का मंथली जो प्रॉफिट लॉस हो ग्रीन नहीं होगा। तो आपका टाइट देखिए, आपको टाइट है अप्रॉक्स, आपको ये तो पता होना चाहिए कि हमको मंथली स्विंग ट्रेडिंग में टाइट 15-20% अप्रॉक्स आपको रखना चाहिए, उससे ज़्यादा मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है। तो उस हिसाब से अगर आपका कैपिटल, मैं बोलूँगा आप 10,000 से भी स्टार्ट करो भाई साहब, 10,000 से मुझे मानता हूँ कि आप बोलेंगे मंथली में आप 2,000 कमाएंगे, आपको अभी लगता है कि 2,000 कमाएंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, मार्केट में बराबर प्रैक्टिस करोगे, सीखते रहोगे स्विंग ट्रेडिंग में कैसे करते, नॉलेज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक कैपिटल आ जाएगा भाई साहब, क्योंकि इसमें रिस्क स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है बहुत कम रहता है, 80% चांस होगा कि आपका प्रॉफिट में ही रहोगे, ग्रीन में ही रहेगा आपका। तो आपको क्या होगा, अभी फिलहाल आपको लगता है कि आप 10,000 से कैपिटल से ट्रेड करते हैं, अभी आपको कैपिटल अमाउंट छोटा लगता होगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि इन फ्यूचर में ये आपका नॉलेज होगा ना, नॉलेज 1 करोड़ का बराबर होगा, उससे आप 1 करोड़ कमा सकते हो। ये 10,000 आपके लिए कम मत समझ, तो मैं बोलूँगा स्टार्टिंग में अगर आपके पास 10,000 से भी आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं बिंदास, टारगेट 15-20% रखो। अगर आपके पास 50,000 है तो 50,000 और ही बढ़िया, तो 15-20% का 50,000 का टारगेट देख लो, 7,500-8,000 का आपको मंथली प्रॉफिट आ जाएगा। अभी चाहते सर कि मेरा मंथ में कम से कम 15-20,000 ट्रेडिंग से आ जाए, तो आप 1 लाख कैपिटल आपके पास है तो इजीली आप 15-20,000 इजीली आप स्विंग ट्रेडिंग से कमा सकते हैं। तो आप कैपिटल में बोलूँगा स्टार्टिंग 10,000 से ही करो। देखो अगर आप ये बोलेंगे सर 10,000 आप स्विंग ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग में डालते होंगे जीरो हो जाता होगा, लेकिन वही इसमें आप 10,000 से ट्रेड करेंगे तो उसको कंपाउंड करते रहेंगे तो पता है आपको क्या होगा, अगर हर महीना आप 15-20% निकाल रहे हो तो 5 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा, या 6 महीना 7 महीने में आपको पैसा डबल हो जाएगा, 10-20,000 हो जाएगा, 15% ही लेते ना तो फिर भी आपको कितना, अगर 20% लेते कितना होगा, 20-25, 100, 5 मंथ में आपका पैसा डबल हो जाएगा 20% का अगर टारगेट लिया, अगर उससे कम लिए फिर भी 7-8 मंथ में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 10,000 से क्या होगा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में अगर वहीं पर मान लीजिए इन फ्यूचर में 1 लाख से ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, हर महीना आपको 15-20,000 आएगा। अगर आप 10 लाख से ट्रेड करेंगे तो हर महीना क्या होगा, 1 लाख से लेके आपको 1 लाख या 2 लाख आपका प्रॉफिट होगा, मतलब 1.5 लाख या 2 लाख का प्रॉफिट होगा। तो कैपिटल ही बढ़ाना है ना भाई इन फ्यूचर में, नॉलेज रहेगा तो ऑटोमेटिक पैसा आ जाता है, समझ रहे हो, अगर आपका नॉलेज होगा तो भाई पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, मुझे पता है। ठीक है, अपने पैसे से अगर आपके पास मान लीजिए नहीं है इतना पैसा, नहीं आप दूसरे को ट्रेड करके दे स्विंग ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग तो रिस्क तो बहुत कम होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे, दूसरे को अपना नॉलेज को यूज करो और दूसरे को कमा के दो, एक बार दो बार कमा के दो, ट्रस्ट हो जाएगा उसी पैसा को आपको इकट्ठा करना है, खुद कर देना है भाई, तो तरीका हजारों है। अगर आप, इसलिए मैं बोलता हूँ कैपिटल कम है 10,000-20,000 जितना ही उतना ही से स्विंग ट्रेडिंग करो, 10,000 या 10,000 काफ़ी है,
इससे क्या हो, आपका 6 महीना 1 साल बराबर काम करेंगे ना, 5 महीना आपका 65,000-20,000 हो जाएगा, फिर 20,000 से ट्रेडिंग करो, फिर 5 महीना में आपको फिर 5 महीना 20,000 का 40,000 हो जाएगा, फिर 5 फिर ट्रेड करो, फिर 20,000 का 40,000 से, फिर 40,000 से ट्रेड होता 40,000 का फिर डबल हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा भाई। 2 या 3 साल में आपके पास कई लाख रुपया हो जाएगा, 10,000 2 या 3 या 4 साल में कई लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वही आप ऑप्शन ट्रेडिंग में डालोगे क्या होगा, 10,000 डालोगे 2 दिन में जीरो, फिर 10,000 डालोगे 2 दिन में जीरो, फिर 10,000 डालोगे 2 दिन में जीरो, ऐसे करते करते आपको देखते कोई 10 लाख का लॉस कर लेता है, कोई 20 लाख का लॉस कर लेता है, कोई 30 लाख, एक बार तो नहीं करता है लेकिन धीरे धीरे 50-50 लाख का लॉस कर लेता है। लेकिन वही ऑप्शन ट्रेडिंग में किए होते, अगर 50 लाख से ऑप्शन ट्रेडिंग, वही ऑप्शन स्विंग ट्रेडिंग अगर 50 लाख से किए होते तो समझ लो आपको कितना प्रॉफिट होता। अगर 10% का ही आप फिक्स करेंगे 50 लाख से करते तो आपको 5 लाख हर महीना आता, कम थोड़ी होता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा अगर आपके पास कैपिटल 10,000 है तो 10,000 से ट्रेडिंग करो, मंथली टारगेट 15-20% रखो, 15,000 भी सफिशियंट, अगर 20% आ गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन 15-20% का इजीली टारगेट मेरे हिसाब से मिल ही जाता है। तो हर 5 या 6 महीना या 7 महीना में आपका पैसा डबल हो जाएगा, 10,000 का 20,000 हो जाएगा, फिर अगेन 20,000 को फिर 40,000 हो जाएगा, 20,000 से फिर 20 का 40,000 हो जाएगा, 40 का फिर आपका 1,20,000 हो जाएगा। अगर आपके पास नॉलेज है तो दूसरे को भी अपना दिखाओ, स्विंग ट्रेडिंग करके दो, आप भाई उससे चार्ज लो, उसको भी कमा के दो, उस कैपिटल को फिर वहाँ से कमा के आओगे, उससे क्या है अपना कैपिटल को जनरेट करो। स्टार्टिंग में नॉलेज पे काम करो, नॉलेज कम रहेगा, अगर नॉलेज कम रहेगा पैसा ज़्यादा रहेगा जीरो हो जाएगा, नॉलेज ज़्यादा है पैसा कम भी रहेगा बड़ा हो जाएगा। ये है, ये आप स्टार्टिंग में 10,000 या 15,000 से हाईएस्ट, अगर आपके पास 50,000 भी है 10,000 भी है वहाँ से भी आप ट्रेडिंग, वहाँ से भी आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये था दोस्तों आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा जो अच्छा लगा जो लाइक एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं भाई एंड टेक केयर।